दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव, एवरीथिंग इज पॉसिबल में आज आपको आधुनिक ओलंपिक खेलों की यात्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियो आपको लगातार ओलंपिक खेलों पर अब मिलते रहेंगे। मैंने डिसाइड किया है, सभी लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं, कुछ ने मुझे फ़ोन करके भी कहा है कि आप ओलंपिक में प्रथम ओलंपिक से लेकर आधुनिक ओलंपिक तक की जानकारी हमें दें, कौन सा खेल कब शामिल हुआ, किस खेलों में महिलाएं आईं, किन खेलों में कौन कौन से खेल बढ़ते क्रम में चले गए, उस इस संदर्भ में मैं आज से आपको एक नया वीडियो रोज़ देता रहूँगा, अल्टरनेट देता रहूँगा। तो दोस्तों ओलंपिक खेलों के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, ओलंपिक ध्वज के बारे में बनाया है, ओलंपिक मशाल के बारे में बताया है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में बताया है। मैराथन मेरे पुराने पहले वीडियो हैं जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप उनको देखिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी जानकारी आपको देता रहूँगा। आपको पता है मैंने पहले भी बताया है कि ओलंपिक खेल जो आधुनिक ओलंपिक खेल हुए 1896 में प्रारंभ हुए और ये यूनान देश के एथेंस शहर में आयोजित हुए। इन खेलों की विकास यात्रा में यदि सबसे बड़ा किसी व्यक्ति का योगदान था तो वह फ्रांस के शिक्षा शास्त्री और खेल प्रेमी पियरे द कुर्बिटियन का था, जिन्होंने अपने प्रयासों से हर यूरोप के कई देशों में यात्राएं की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये खेलों का एक समग्र इतिहास हो जिसमें लोग जुड़े, परंपराएं जुड़े, कल्चर जुड़े और जो खेलों के माध्यम से पूरे विश्व को एक परिवार के रूप को देने के लिए उन्होंने इन खेलों का आयोजन करवाना प्रारंभ किया। पहले यह खेल जो थे, जो आज हम प्रथम ओलंपिक खेल 1896 एथेंस में आयोजित हो रहे हैं, ये खेल पहले जो थे, जो मीटिंग हुई 1890 में, तो ये डिसाइड हुआ कि यह खेल लंदन में होंगे, इंग्लैंड के लंदन शहर में होंगे। लेकिन ओलंपिक खेलों के जो प्रथम अध्यक्ष थे विकेलस जी और पियरे द कुर्बिटियन जो थे, वो दोनों ही लंदन के लिए तैयार नहीं थे। उन दोनों का ही कहना, मानना यह था कि ये खेल यूनान से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन खेलों का प्रथम आयोजन यूनान में ही किया जाए और इसके लिए उन्होंने दोबारा प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मत से सभी देशों ने इसको पास कर दिया। इस ओलंपिक खेलों में चार महाद्वीपों के खिलाड़ियों ने भाग लिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के खिलाड़ियों ने इनमें प्रतिभाग किया। अफ्रीका और एशिया का प्रतिनिधित्व इन ओलंपिक खेलों में नहीं हुआ। तो दोस्तों आज मैं आपको जानकारी देता हूँ प्रथम ओलंपिक खेलों के बारे में, जो खेल 1896 यूनान में खेले गए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा आपसे निवेदन है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को जरूर भेजें जिससे जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों प्रथम ओलंपिक खेल जो थे वो 1896 में हुए। प्रथम ओलंपिक खेलों के जनक आपको पता ही है, ओलंपिक खेलों के जनक ही जो हैं वो पियरे द कुर्बिटियन थे। मेजबान शहर का नाम एथेंस था, जो यूनान में है। यूनान प्रथम वह देश था जिसने ओलंपिक खेलों का आयोजन किया। एथेंस प्रथम वह शहर था जिसने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। भाग लेने वाले देश जो थे, इनमें जिन देशों ने, हमने बताया कि चार महाद्वीपों से इन देशों में लोगों ने प्रतिभाग किया, इनमें 14 देशों ने इन खेलों में भाग लिया। अमेरिका, यूनान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, इटली, स्वीडन, चिली और मिश्रित देशों से मतलब ये था कुछ खिलाड़ी जो थे जो वहाँ रह रहे थे अलग अलग देशों से थे, उन्होंने एक मिश्रित देश के झंडे के नीचे इन खेलों में भाग लिया। अब आते हैं भाग लेने वाले खिलाड़ी कितने थे। भाग लेने वाले जो खिलाड़ी थे वो 241 खिलाड़ी थे। अब भाग जिन 14 देशों ने भाग लिया था, उन 14 देशों ने भाग तो लिया लेकिन पदक किन खिलाड़ी देशों को मिले, इस प्रथम ओलंपिक में सिर्फ 11 देशों को ही पदक मिले। 3 देश खाली हाथ ही लौटे और जो 3 देश खाली हाथ लौटे थे वो इटली, स्वीडन और चिली थे। सबसे ज़्यादा पदक जो जीते आज अमेरिका ने जीते, दूसरे नंबर पर यूनान था, तीसरे नंबर पर जर्मनी और चौथे नंबर पर फ्रांस, पांचवें पर ब्रिटेन, फिर हंगरी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और मिश्रित देश। ये 11 देशों ने इन ओलंपिक खेलों में पदक जीते। सब पदकों की संख्या सबसे अधिक यूनान की थी, 48 पदक जीते, लेकिन अमेरिका के स्वर्ण पदक ज़्यादा थे इसलिए वो मेडल टैली पर पहले स्थान पर रहा। खेलों की जो संख्या थी वो 9 थी। प्रथम ओलंपिक खेल में सिर्फ 9 खेल जो थे वो ही शामिल हुए। इनमें से एथलेटिक्स, साइकिलिंग, तलवारबाजी, जिम्नास्टिक,
निशानेबाजी, तैराकी, टेनिस, भारोत्तोलन और कुश्ती थे। उद्घाटन समारोह 6 अप्रैल को रखा गया। अब 6 अप्रैल को डेट इसलिए निर्धारित की गई कि पूर्वी और पश्चिमी जो ईस्टर होते हैं मनाते हैं, इसमें ईस्टर का पवित्र दिन सोमवार जो होता है ना ईसाई मिशनरियों का, वो 6 अप्रैल जो था ईस्टर सोमवार का वो दिन पड़ रहा था, इसलिए ये डेट एक तो कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि 6 अप्रैल को यूनान जो देश है उसकी स्वतंत्रता की वर्षगांठ थी, इसलिए 6 अप्रैल का दिन रखा गया। समापन समारोह 15 अप्रैल को हुआ। उद्घाटनकर्ता जो थे यूनान के राजा जॉर्ज थे। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि जिस समय ये 1896 ओलंपिक खेल हुए उस समय यूनान की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब थी। वह इस स्थिति में नहीं था कि वह ओलंपिक खेलों का आयोजन कर सके। इसके लिए जब उसको मेजबानी मिली तो यूनान के राजा जो जॉर्ज थे उनका जो पुत्र था कॉन्स्टेंटाइन, वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हुआ और उसने पूरे देश में उत्साह का एक ऐसा माहौल बनाया कि लोग जो थे वो बहुत खुश हुए कि हमारे देश में ओलंपिक खेल होगा, हमारी जो सभ्यता से जुड़ा हुआ खेल होगा, पूरी दुनिया में खेले जाएंगे खेल। तो वो इससे इतने वो लोग उत्साहित हुए कि उन्होंने बहुत सारा दान दिया। उद्घाटनकर्ता जो थे राजा थे, प्रथम ओलंपिक जो अध्यक्ष थे ये विकेलस थे, जिनके कारण ही ओलंपिक जो यूनान में हुए उनको प्रथम ओलंपिक खेलों का अध्यक्ष बनाया गया। आयोजन स्थल जो स्टेडियम था वो पेनाटेनाइक स्टेडियम था। ये 19वीं शताब्दी का ऐसा एकमात्र स्टेडियम था जहां पर ओलंपिक खेल हुए, क्योंकि 1896 में हुए, उसके बाद 19वीं शताब्दी आ गई, 20वीं शताब्दी आ गई, तो 19वीं शताब्दी का एकमात्र ऐसा स्टेडियम जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। ओलंपिक गीत जो था वो 150 गायकों ने गाया, धूमधाम के साथ में रंग बड़ा उत्सव आयोजन हुआ, इसका आयोजन हुआ। और इस गीत के जो रचयिता थे वो कोसेटियस पैलेमस थे। इस जो ओलंपिक खेल था इसके जो दर्शक थे वो 80,000 दर्शक थे। इसमें राजा जॉर्ज, उनकी पत्नी ओल्गा, राजकुमार कॉन्स्टेंटाइन, ओलंपिक अध्यक्ष और विभिन्न देशों के गणमान्य भी इसमें उपस्थित थे। दोस्तों चूंकि वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी यूनान की, तो राज सबने खुलकर दान दिया और सबसे अधिक दान देने वाले जो थे वो एब्रोक थे। एब्रोक महोदय ने इन खेलों के लिए सबसे ज़्यादा दिरहमी डॉलरों जो वहाँ की मुद्रा है उसमें 2,90,000 का दान किया। और उससे जो उनका ये दान था इसका सभी ने स्वागत किया और इनकी एक मूर्ति स्टेडियम के बाहर लगाई गई जो आज तक वहाँ पर लगी हुई है। शानदार खेलों के आयोजन के बाद ग्रीस के लोगों की इच्छा ये थी कि सारे ओलंपिक खेल उनके शहर में ही आयोजित किए जाएं, 4 वर्ष के बाद जो खेल हों वो वहीं पर किए जाएं। लेकिन इसके लिए सभी लोग सहमत नहीं थे और अगले ओलंपिक खेल 1900 में पेरिस के लिए मनोनीत कर दिए गए, वही पेरिस में अगले खेल होंगे। अच्छा एक चीज़ और बताएं आपको, 14 देशों के अलावा इन खेलों में भाग लेने की पुष्टि बेल्जियम और रूस ने भी की थी, लेकिन अंतिम समय पर उन्होंने अपने खिलाड़ियों को उस ओलंपिक खेलों में नहीं भेजा। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रथम ओलंपिक खेलों से कुछ जुड़े साक्ष्य जो आपको अच्छे लगे होंगे। मैं चाहे उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। और आपसे मेरा निवेदन एक बार फिर कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें। अगला वीडियो दूसरे ओलंपिक खेलों पर मैं आपको बहुत ही जल्दी 2-4 दिन में दूंगा। ये वीडियो आप सभी को शेयर करें। मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूं, जय हिंद, वंदे मातरम।